मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आ गया फास्ट फूड की दुनिया का बेताज बादशाह ताओबाओ। जी हाँ, आपको बता दें, भोपाल के औरा मॉल में 100 से अधिक इंडो कोरियन आइटम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आपका कृष्णा पटेल, फिर से आपको लेकर आ रहा हूँ इंडियन टेस्ट की सीरीज में एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज तक इस तरीके का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं है। पूरा वो इसका बटर पेपर भी थे। एक मार्केटिंग हेड जो कि आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताएंगे। तो सर, किस टाइप का प्रोडक्ट है और क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर। बेसिकली क्या है, ये ताओबाओ जो हमारी ब्रांड है, ऑलरेडी हमारे 6-7 आउटलेट ऑलरेडी पैन इंडिया लेवल पे अक्रॉस इंडिया हमारे चल रहे हैं, और वी आर गोइंग वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया फॉर इंडो कोरियन। दिस इज़ वेरी मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट। अभी तक इंडिया में इस तरीके के प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, और हमारा जो एक विज़न है कंपनी का, वो पूरा क्लियर है कि हमें इस तरीके के प्रोडक्ट देना है जो पूरे मोनोपोली हो, जिसमें हम पूरी R&D करके उतरे हुए हैं, और जो हमारा कोई कॉपी ना कर सके। इस तरीके के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डेवलप किए हुए हैं, होममेड इंग्रेडिएंट्स डेवलप किए हुए हैं, जिससे कि कोई भी किसी भी चीज़ में हमारा कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी कॉपी नहीं है। सब कुछ पेटेंट है, इस तरीके का हमारा ट्रेडमार्क सब कुछ रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है, जो इंडो कोरियन है, लोगों ने पिज़्ज़ा बर्गर सब लोग अब खाते हैं, सब कुछ हो रहा है, बट जो कोरियन कॉन्सेप्ट है वो अभी इंडिया में नहीं आया है। बट कोरियन को समझना एक वो है, कोरियन बहुत ऑथेंटिक फ्लेवर्स में भी जाता है, बट होता क्या है कि कोरियन ऑथेंटिक कोरियन कोई नहीं खा सकता, बिकॉज ऑफ वो एकदम से सडार चीज़, प्योर चीज़ खाते हैं, और पूरा क्रीमीज में खाते हैं, और थोड़ा स्वीट में खाते हैं, और एज इंडियंस हम पसंद नहीं कर सकते, स्वीट्स पसंद नहीं कर सकते, डायरेक्ट चीज़ हम नहीं खा सकते, तो हमने उसको थोड़ा सा इंडियन टच दिया हुआ है। 10-15% हमने जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, उनका टच दिया हुआ है, उससे ये पूरा इंडो कोरियन टच हो गया है। तो इंडो कोरियन वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज ऑफ हमारे जो फ्लेवर्स हैं, यूनिक फ्लेवर्स हैं सारे। कॉन्डॉक्स ले लो आप, कॉन्डॉक्स में 6-7-8 वैरायटी, अभी हमारे R&D में 5-6 फ्लेवर्स चल रहे हैं। हर स्टोर्स पे हमारे R&D के जितने भी नए फ्लेवर्स आते हैं वो हम डालते जाते हैं, ठीक है। रेमंस हम पहली बार लेके आए हैं, रेमंस में 8-10 फ्लेवर हैं, जो अभी तक भोपाल में क्या, जिस सिटी में हमने खोला है वहाँ पे रेमंस नहीं है। अगर आप रेमंस में भी जाओगे, दिल्ली में ही केवल 2-3 स्टोर कोरियन हैं जो हैं ऑथेंटिक देते हैं, जिनका आप जाओगे तो 1000 प्लस का बजट होता है, वो वहाँ पे हाई एंड कस्टमर ही पहुँचता है। बट कंपनी का विज़न जो क्लियर है कि हमें पॉकेट फ्रेंडली हमें रखना है चीज़ों को। जो आज का यूथ है जो खाना चाहता है कि हाँ कोरियन खाने जा रहे हैं, तो 200-300 रुपए में वो अच्छे से खा सके, कोरियन का मज़ा भी ले सके, और आराम से जाके अपना इंजॉय भी कर सके डाइन इन में जाके। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपना विज़न क्लियर रखा है कि हमें पॉकेट फ्रेंडली भी रहना है, और एक यूनिक टेस्ट भी देना है, और मोनोपोली भी रखनी है मार्केट में। तो वो उन सबको देखते हुए हम उस पर अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और आप लोग के साथ जुड़ेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी कितनी फ्रेंचाइजीज हैं और कैसे? सर, अभी ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद 7 स्टोर्स अक्रॉस द इंडिया, और अभी हमारे पाइपलाइन में 5-6 स्टोर्स और चल रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे पाइपलाइंस में हैं स्टोर्स, तो धीरे धीरे लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 100+ क्वेरीज हैं अभी। बट सर क्या होता है सर, चीज़ को ज़मीनी हकीकत में उतारने के लिए टाइम लगता है, टाइम देना होता है चीज़ों को। मैंने बोल दिया, किसी ने बोल दिया ठीक है खोलना है, तो मिनट में नहीं होता काम सर। एक स्टोर खोलने में 15-20 दिन लग जाता है, ये इंटीरियर का काम कराना, पूरा सेटअप करवाना, सारी चीज़ें करवाना, तो उसमें टाइम लगता है। तो सर वो भी नहीं कर सकते कि हम एक बार में बोल दिया खोलते चले जाएं, पैसे लेना है, वो नहीं है। हमें एक तरीके से सिस्टम से चलना है, और जितना हम ग्रास रूट लेवल पे चलने की कोशिश करेंगे उतना ही हम और जल्दी आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि जितना टेस्ट बताने में आ रहा है अंशुल जी को, निश्चित ही मैंने तो टेस्ट किया है, बहुत ही मज़ेदार है, वो आपको केवल यहाँ आके ही पता लगेगा। मैं आपको लोकेशंस, यहाँ की सारी चीज़ें स्क्रीन पर शेयर करने वाला हूँ, आप बिल्कुल आइए और एक बार यहाँ के टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, अगर कोई हमारे साथ में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको क्या करना होगा? सबसे पहले प्रोसेस होती है कि अगर कोई जुड़ना चाहता है, सबसे पहले हम उसकी वीडियो मंगाते हैं, लोकेशन,
फर्स्ट प्रेफरेंस इज लोकेशन, लोकेशन नहीं होगी सर हम साफ मना कर देते हैं सर, हम इस लोकेशन पर नहीं करवाएं, बिकॉज वी नीड फुटफॉल्स, हमें वहाँ पे आसपास ऐसा फुटफॉल चाहिए, क्राउड चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है सर, आउटर में हम नहीं खोल सकते, जहाँ पे क्राउड होता है वहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाता है चीज़ों को लाना। इवन हमारी कंपनी की साइड से पूरी मार्केटिंग टीम चलती है, मार्केटिंग होती है, बट सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस लोकेशन, लोकेशन फाइनल होती है, उसके बाद हम लीगल टर्म्स पे आते हैं, फिर हमारा एग्रीमेंट होता है। हमारे दो मॉडल पे काम करते हैं, एक हमारा जो मॉडल होता है डाइन इन मॉडल होता है प्रॉपर, जो आप देख रहे हो पूरा, जिस 400 से 500 स्क्वायर फीट का हमें पूरा स्पेस चाहिए होता है, और एक हमारा टेक अप मॉडल होता है, टेक अवे मॉडल, इसको हम केप ऑफ भी बोलते हैं, केप ऑफ ऑब्लिक टेक अवे मॉडल, उसमें हमें 200-250 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है, ठीक है। इसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, वो हमारी पूरी जब डेटा जाता है तो उसमें सब क्लाइंट्स को हम बताते हैं कैसा होता है, मोटा मोटी पूरा एक्सपेंसेस भी हम उसमें देते हैं। अब वो सारी चीज़ें एकदम से डिस्क्लोज नहीं कर सकते, एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीज़ों का होता है वो 1-to-1 जब क्लाइंट से होता है, वो एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ क्लियर, हमारा एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, कुछ भी हिडन नहीं है, जो हम ले रहे हैं वो हम लिख के देते हैं, जो कि हाँ सर ये है, दैट्स इट। और सबसे मज़ेदार की बात ये है कि सब बजट कॉन्शियस है, आपके पॉकेट फ्रेंडली है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, आज की डेट में आप छोटी से छोटी फ्रेंचाइजी लेने जाओगे ना, इवन चाय की भी 5-6 लाख रुपए से नीचे फ्रेंचाइजी नहीं आती है। अब आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं इतनी बड़ी बात बोल दी, अब कोरियन फूड की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, दैट्स इट, एक वर्ड में मैंने इतना बोल दिया, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, इतनी बड़ी बात। बहुत शानदार बात अंशुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आइए हम यहाँ पे मिल रहे हैं हमारी बैकवर्ड टीम, जो कि हमारा भोपाल का कॉर्नर है, और भोपाल की कॉर्नर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? नीलेश जावले। नीलेश जी, कैसा, क्यों आपने इसको कैसे देखा, कैसे इसको पिकअप किया? क्योंकि आज युवा लोग, जो भी यूथ है, बहुत कोरियन ड्रामा देखते हैं, बहुत सारी सीरीज़ को फॉलो करते हैं, तो हमें ये था, और कोई भी कोरियन स्टोर यहाँ पर नहीं अवेलेबल है भोपाल में, ये पहला ही स्टोर है हमारा, पहला ही रेस्टोरेंट है, तो हमने इस वजह से इसको प्रायोरिटी दी और ओपन किया। तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने मिलके खोला? हम 3 लोग पार्टनर्स हैं, ये सोनम नामदेव और अंशुल साहब। तो अंशुल, कुछ कहना चाहेंगे? बस आप सब लोग का सहयोग चाहिए, आप सब लोग आइए, नई नई डिशेज़ हैं, बताइए, रिव्यूज़ दीजिए, ताकि हम और आगे बढ़ सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट कोरियन रेस्टोरेंट है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसके आउटलेट हर जगह खोलें, हर एरिया में खोलें। और जैसे आप जानते हैं कि कोरियन ड्रामा आजकल यूथ बहुत पसंद करता है, हम अभी नोटिस भी कर रहे हैं कि काफ़ी बच्चे आते हैं और प्रेफर करते हैं कोरियन फूड, तो आई होप कि हम जल्दी से ही सारे एरिया कवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई हो, और इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके लिए वेबसाइट्स हैं, इनके पेज हैं, इनके फेसबुक इंस्टा पेज बने हुए हैं, आप वहाँ जाके भी इसको देख सकते हैं, इसको प्रेफर कर सकते हैं। और यदि टेस्ट का मज़ा लेना है तो प्लीज़ आइए और आके यहाँ पे टेस्ट का मज़ा लीजिए, उसके बाद अपने रिव्यूज़ डालिए। धन्यवाद। क्या आप एक यूट्यूबर हैं? क्या आप चाहते हैं शासन से गाइडलाइन? क्या आप चाहते हैं वैधानिक तरीके से यूट्यूब चैनल को मिले मान्यता? जी हाँ, तो आज ही जुड़िए, वेव पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन अब यूट्यूबर्स के लिए लेकर आया है एक नई सौगात, न्याय, नियम, अधिकार और संरक्षण, आज ही ज्वाइन करें। एक से बढ़कर एक ताजी अपडेट के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।